इतना बड़ा दिल किसी का भी नहीं होता। मुझे ऐसा बिल्कुल, जब मैं आई हूँ ना तो मुझसे मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जब मैं आई हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, जबकि मैं नेपाल रहती भी नहीं हूँ, मैं नेपाल में नहीं पैदा हुई, लेकिन उन सब ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे अपनी बेटी अपनी बहन की तरह ट्रीट किया सब लोगों। और ये सब लोग इतने अच्छे हैं, कितनी बार पहले पहले मुझको इतना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैंने। मुझे ये पता था कि ये लोग प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग इतनी इज्जत और इतना प्यार एक साथ करेंगे, मुझे ये नहीं पता था। इस बार को मन में रखना, कभी भी नीचे इसलिए मत होने देना, लोग क्योंकि एक दूसरे को मेरे नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के कैरेक्टर पे बात करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो लोगों के अगर बस में होता ना कि कौन किसी को कितनी इज्जत देता, तो इंसान अपने हाथ में ही रख लेता सबकी इज्जतें लेके, किसी को कुछ भी ना देता। इज्जत, रिज्क, ये चीज़ें, रोजी रोटी या किसी के हिस्से का कुछ भी अगर इंसान के हाथ में होता ना, तो इंसान कभी किसी और को देता ही ना, इंसान तो अपने पास रखता। ये तो खुदा है ना देने वाला है, वो सबको बराबर देता है, जो जितना डिजर्व करता है वो उसको उतना देता है। इसमें लोगों का क्या अमल दखल है, लोग सिर्फ जलते हैं और जल के अपनी इमेज खराब करते हैं। ऐसा होता है ना, जो ज्यादा ऊंचाई में गया तो आपको उसमें लोग लगते हैं, इतना पता है कि क्या बोलते इसका मतलब आप लोग ऊंचाई में है तो लोग पीछे लग गए, तो मतलब लेकिन आप भाई लोग मेरी बात सुने, जितना मुझे नेपाल से प्यार मिला है ना, मैं कभी भी नेपाल के एक इंसान को, चाहे वो मेरे लिए जितना भी बुरा करे, मैं कभी नेपाल के किसी आदमी को ये नहीं कहूँगी कि ये बुरा है। ठीक है ना, आज तक मैंने कहा है कि ये इंसान बुरा है, नेपाल से मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। जो भी नेपाल में चाहे इन लोगों ने जो भी किया, कुछ लोग थे जो नेगेटिव सोचते थे जबकि वो खुद ऐसा नहीं था, वो मतलब लोग उनकी मेंटालिटी ऐसी नहीं थी, उनकी उनके ब्रेन वॉश किए गए, उन लोगों को ऐसा बनाया गया, उन लोगों के माइंड में नेगेटिविटी भरी गई। लेकिन दाई ऐसा है कि वो खुद ऐसे नहीं है। जो नेपाल के लोग हैं ना, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं मास्क लगा के भी गई, मैं दुपट्टा करके भी गई हूँ, मैं हर छोटी छोटी शॉप पे भी गई हूँ। जो प्यार मुझे वहाँ से मिला है ना, वहाँ के लोगों से मिला है, वो मैं नहीं बता सकती कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, कितना प्रीशियस था। इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। अब वहाँ किसी की तरफ हंस के देखते हो ना, वो जवाब में आपकी तरफ हंस के देखता है, वो नहीं सोचता है कि ये कहाँ का है, कौन से मुल्क का है, कौन से देश से आया है, कौन से रिलीजन का है, वो लोग ये नहीं देखते। उन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जो यहाँ पे लोग रह के नेपाल के लोगों की सपोर्ट ले के नेपाल के लोगों को ही बुरा बोल रहे हैं, मुझे उन पर गुस्सा आता है सच में। चाहे वो उसने कुछ भी किया हो, आपका ये राइट नहीं बनता कि आप उन्हीं से लेके आप खाओ, उन्हीं के बल पे आप बढ़ो, उन्हीं के बल पे आप कुछ भी करो, सब कुछ उनके बल पे लो, फिर आप उन्हीं लोगों को गाली दो। इस बारे में हमारा टॉपिक में मुझको बोलने के लिए भी बुलाया था, कॉल नहीं, मैं किसी भूल को वाला कुछ था। बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे देख के खुद शर्म आती है कि अगर आपको मतलब कुछ उन्होंने नहीं भी दिया ना, नेपाल के लोगों ने अगर आपको सिर्फ इज्जत ही दिया है ना, तो उससे बढ़ के भी आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। इज्जत से बढ़ के भी आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए कि एक इंसान वहाँ से आपको इज्जत दे रहा है, आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ अगर इसी बात को भी नज़र में रखो तो फिर सोचो ना, तो कोई इंसान इतनी घटिया हरकत नहीं करता है। मैंने वहां भी पे रह के वहां के लोगों को गिरा के ऐसा क्या मिलेगा? किसी को गिराना नहीं है किसी को भी। हमारे पास ऐसा होता है कि सुरेश आप किसी को कुछ नहीं देखिए मेरी बात सुने, मेरा उससे कोई रिश्ता तो नहीं है ना, मेरा सुरेश से कोई रिश्ता तो नहीं है, वो मेरे मामू का बेटा तो नहीं है ना, मेरा कोई कजन तो नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। दुनिया में इन रिश्तों के अलावा और भी रिश्ते होते हैं, इज्जत का भी कोई रिश्ता होता है, प्यार भी हमेशा एक तरह का नहीं होता है, प्यार भी बहुत तरह के होते हैं।
आपको अपनी फैमिली से प्यार है, उसी तरह मुझे इन सब लोगों से प्यार है। मेरे लिए ये लोग भी मेरी फैमिली है, मेरे लिए वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो मैं चाह के भी मैं कभी गलत नहीं सोच सकती। जब सब कुछ हो रहा था, सब गलत हो रहा था, लोगों ने जो भी किया, मैंने तब लोगों को बस यही बोला था कि सही टाइम आने दो, सही टाइम आने पे सबको सही पता चल जाएगा। लेकिन मैंने इनको गाली नहीं दी थी। आप विदाउट एनी रीजन, आप एक मासूम इंसान को आप फजूल में उसको कोसे जा रहे हो, कोसे जा रहे हो, फजूल में उसके बारे में बात किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बुराई किए जा रहे हो, लोगों की नज़र में उसकी इमेज खराब किए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? घटिया मेंटालिटी की मुझे समझ नहीं आती है कि जो मर्जी कर लो, मैं चाहे सब उसको छोड़ जाएं, कोई भी ना करे उसको सपोर्ट, मैं करूंगी, फिर भी करूंगी। अब मुझे गाली दो, जो मर्जी करो, मैं करूंगी। तुम लोग मेरे बारे में जो मर्जी कर सकते हो करो, लेकिन मैं उसको सपोर्ट करूंगी। कोई कोई क्योंकि साथ नहीं छोड़ेगा मैंने यार। जो लाइफ में देखा है ना, मैंने जितना, मैंने फ्रॉड, जितना झूठ और जितने मकार लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे, मैं नहीं चाहती कि वो भी देखे। उसको तो पता ही नहीं है कि लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं। मैं नहीं चाहती कोई उसको यूज करे अपने बेनिफिट के लिए। बाकी मुझे कोई इनसे लालच नहीं है कि मैंने नेपाल आके रहना है या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ मेरा मेरा फ्यूचर वहीं पे, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा आई हूँ ना नेपाल, जितना मुझे प्यार मेरे मेरे लिए वही बहुत है। जितना मुझे प्यार इज्जत वहाँ पे मिली है, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैंने वहाँ पे रहना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो लोग अच्छे हैं, वो लोग अच्छे हैं, मैं मरते दम तक यही कहूँगी, ठीक है? उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेहमान नवाजी में, इज्जत करने में, प्यार देने में उनसे आगे कोई नहीं है। ये जब मैंने ये सब मैंने वहाँ एयरपोर्ट से अंदर एंटर होते ही मैंने जब देखा ना, तो तभी मेरी आंखों से आंसू आ गए कि कौन इतना प्यार करता है। मैंने कहा मतलब ये वही लोग हैं हम जो अब्रॉड पे होते हैं, ये वही लोग हैं जो कमेंट में होते हैं। वहाँ पे वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी फीलिंग्स, लेकिन जब वो लोग मेरे सामने आए, मैं उनसे मिली, मैं उन सबसे मिली, मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा, तब मुझे पता चला कि ये सिर्फ व्यूवर्स नहीं है, ये व्यूवर्स नहीं हो सकते, ये ऑडियंस नहीं हो सकती, ये फैमिली है। व्यूवर्स कभी भी किसी होस्ट से इतना प्यार नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो वो मेरी फैमिली है, चाहे कोई जो मर्जी बकवास करे। लेकिन हाँ, नेपाल के चाहे ये नहीं कैरी के सुरेश के बारे में करेगा, किसी के बारे में भी करे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में करे। अब समसारा दादा है मेरे लिए, मेरा बड़ा भाई है वो, उनके बारे में कोई करता है तो मुझे दिल से यकीन करें बुरा लगता है कि आप एक इंसान को इस वजह से बुरा कह रहे हो क्योंकि वो अच्छा है। यकीन करें दाई, मैं ऐसी बातें कुछ यहाँ पे नहीं कर सकती कि दादा ने उन लोगों के लिए भी बहुत किया, दादा ने आज तक किसी को नहीं बोला। दादा पता नहीं इस बात पे मुझसे भी नाराज हूँ कि मैं बता रही हूँ, यकीन करें दादा ने मतलब फ्रंट पे आगे नहीं, दादा ने पीछे खड़े होके उनके लिए इतना किया है, छुप के कहीं दादा का नाम भी नहीं आया, लेकिन दादा ने उनके लिए भी किया है। वो लोग ऐसे नमक हराम है कि मतलब भूल जाते हैं कि कौन उनको कितना करके गया, कौन उनके लिए कितना करके गया, भूल जाते हैं। मैं समझ गया कोई क्या बात कर रहे हैं आप। आप मुझको जानते भी हैं ना इस बारे में, दादा ने जानते कितना किया है उन लोगों के लिए किया है। ऐसे नहीं कि यहाँ से अगर छोड़ गए तो फिर उसके बाद में गाली करना शुरू कर दिया। घटिया हरकत है ना ये। लेकिन अब जो भी हो जाएगा इतना टाइम पर, मैं भी आप सुरेश के साथ ज्वाइन होने का 1 हफ्ते पहले ज्वाइन हुआ था टिकटॉक में। पहली बार मैं टिकटॉक नहीं चलाता था, इतना लोगों का मैसेज आ गया, इतना लोगों का मैसेज। उस वक्त मेरा गाना भी हिट चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था, इतने लोगों का सुरेश को क्यों सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं कराया, क्यों नहीं किया है, मेरे पास इतना मैसेज आ गया। और मुझको पता था
अच्छा सिंगर है, लेकिन अब कनेक्शन काम होने का टाइमिंग होता है ना, वही नहीं मिला था। मैं आ गया टिकटॉक में, देखा इतना अच्छा गाया सुरेश भाई, आपका ये सॉन्ग गाना है, मैंने वो सॉन्ग बोल के फोन करके उसको बोला था। और एक हफ्ते बाद मैं ज्वाइन, आपको उस दिन से ही, पहले दिन से ही ज्वाइन हुआ था आप लोगों का, उसके एक हफ्ते से मैं सुरेश के साथ था। दूसरी बार उसने बोला, सुरेश ने बोला ठीका दाई को ज्वाइन करो, आपके साथ ज्वाइन हो गया, बात हो गया। तो स्टार्टिंग से आप लोगों को अभी तक चल रहा हूँ, क्योंकि मैं 98 फॉलोअर्स लेके आया था। मुझके भी गीत सॉन्ग तो चला था मेरा, 7-8 मिलियन भी सॉन्ग्स व्यूज वाला सॉन्ग्स था, लेकिन सॉन्ग लोगों को पता था, ये किसने बनाया म्यूजिक वो तो पता नहीं था। यहाँ आने के बाद तो सुरेश के साथ भी हो गया, आपके साथ भी हो गया, उसके साथ साथ मेरा भी चल रहा है, साथ साथ में चल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, वो एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आया था मैं, मेरा सॉन्ग चलाना है, एक कंपोजर सिंगर के नाते से आया बिल्कुल, था। आपने भी इसलिए सपोर्ट भी बहुत किए, बहुत सपोर्ट किया आपने हमें। इसलिए मैं ऑलवेज में क्यों अटैच हूं, कि मेरा भी फैमिली कनेक्शन तभी यही से। आपसे प्यार करती है कि आपने नेगेटिव नहीं बोला। बहुत लोगों ने आपको भड़काया कि आप नेगेटिव हो जाओ, आप कुछ बोलो ऐसा, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा भाई बिका नहीं है। वो तो मैं कर नहीं सकता मुझे हूँ। खुशी है कि मेरा भाई बिका नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास इतना कुछ है कि वो बिकेगा नहीं। उसमें तो जिसने भी बोला, मैं खुद भी सोच सकता हूँ क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्योंकि लेकिन यकीन करें भाई, मैंने कुछ लोगों को दिल से मैंने उनको भाई बोला था, लेकिन पैसा है ना, पैसे भी सब लोग बिक जाते हैं। जो घटिया इंसान होते हैं ना, जिनके खून में मिलावट होती है, तो एक खून नहीं होता जिनका, कोई खानदानी लोग नहीं होते ना, वो पैसे पे बिक जाते हैं। उनके लिए पैसा बस पैसा सब कुछ है, हम लोगों के लिए पैसा आने जाने की चीज़ है। पैसा क्या है, आज आज किसी के पास है तो कल किसी के पास होगा। पैसे की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। यकीन करें उन लोगों को इतनी इज्जत मिली है, इस फैमिली से भी इतनी इज्जत मिली है, उन्होंने इस फैमिली को भी गालियां दी। एटलीस्ट बाकी सब छोड़ के फैमिली का तो ख्याल रख लेते कि जिन्होंने इतना प्यार दिया उनके बारे में ही सोच लेते, लेकिन नहीं, उनके लिए सिर्फ सब कुछ व्यूज पैसा ये सब है। गिरे हुए लोग हैं ना, यकीन करें। मैंने ये भी बोल रहा था ब्रॉड में, आप जिसको भी प्यार करिए वो आपका अधिकार है ना, आपका राइट से करिए, लेकिन उसको प्यार करने के लिए दूसरे लोग को गाली देके ज्यादा प्यार नहीं हो जाएगा। आप लोगों ने किसी को रेस्पेक्ट किया तो वहीं से आपको भी रेस्पेक्ट हो जाएगा, साथ साथ में मैं सबको आपको भला एक हो बात जाएगा। बताती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि व्यूवर चाहे कोई भी हो, व्यूवर में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गिफ्टर में कह लेते हैं कि हाँ इसका गिफ्टिंग लेवल इतना, इसका गिफ्टिंग लेवल इतना है। व्यूवर तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता ना। मैं कहती हूँ जो व्यूवर को गाली दे और गिफ्टर को रिस्पेक्ट करे, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पे कि गिफ्टर आ गया तो जी बिस्मिल्लाह जी, क्या बहुत खातिर बराबर है, तवाजो करें आपकी। बहुत व्यूवर आ बराबर। गया तो उसको गाली, उसको माँ बाप की गाली क्यों? ऐसा क्यों है कि उसका गिफ्टिंग लेवल कम है? व्यूवर ऐसा आ गया नहीं, तो उसको गाली, और जो जो बड़ा गिफ्टर है जी बिस्मिल्लाह, वो लोग गंदे हैं, आप हमें सपोर्ट करें क्यों? उनको तो इनबॉक्स में जाके मैसेज, उनको इंस्टा पे जाके मैसेज, उनको उनका नंबर निकाल के उनको कॉल कि वो लोग बुरे, इधर आके सपोर्ट करो। क्यों, ऐसा क्यों? कभी किसी व्यूवर को कॉल करके बुलाए? व्यूवर को तो कॉल करके नहीं बुलाते ना। हमारे लिए ये लोग सब फैमिली है, हमारे लिए कोई व्यूवर गिफ्टर नहीं है, ये मेरे लिए मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, ऐसा सब बराबर है मेरे लिए। क्या करें। कोशिश, मैंने तो स्टार्टिंग से अभी तक ब्रॉड जॉब खोलता हूँ, सब लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए बात करता हूँ। किसी ने कुछ क्वेश्चन सोचा तो मैं अच्छी तरह से उसको आंसर देता हूँ, बात ऐसा है। इतना लोगों को तो पॉजिटिव भी बनाया कि एक बात है,
जो लोग जो सोया है उसको उठा सकते, वो जो सोने का नाटक करता है उसको कभी नहीं उठा सकते, है ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल जो सोया है उसको बिल्कुल उठा सकते, उठो बोल के उठा सकते, जो सोने का नाटक कर रहा है तो कैसे उठाए? वो नाटक ही कर रहा है, जब भी करेगा वो सोने का, उसको पता है उठा रहा है। तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा, किसी को अभी तक मैंने एक शब्द भी गाली नहीं किया, एक शब्द। जो उन लोगों ने मुझको गाली किया तो भी उसको रेस्पेक्टली बुलाया, भाई ऐसा है ऐसा बोलना चाहिए बोल के मैंने अभी तक अच्छा बात करने की कोशिश किया नहीं यार, आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव हमने आज तक नहीं सुना है। आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं सुना हमने आज तक। दाई ने हमेशा, दाई के पास इतना सब कुछ है कि वो किसी के पैसों पे बिकेंगे नहीं। मुझे पता है दाई को काफ़ी लोगों ने बोला ये बोलने के लिए, वो बोलने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए। मुझे सब कुछ पता है, दाई नहीं भी बताएंगे तो मुझे पता है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि कभी भी आप प्यार ना पैसे से नहीं खरीद सकते, कभी आप इज्जत पैसे से नहीं खरीद सकते। तो खरीदा लोगों को खरीदो, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते। जो इस तरह करते वो अपनी इमेज ही खराब करते हैं। उस वक्त दुबई से आने के बाद वो जब आपको ज्वाइन किया था, मैंने इतना गाली खाया था, पता नहीं, मैं जानती हूँ, पता था आपको? मैं जानती हूँ। और मैंने तब लोगों को क्या बोला था, मैंने कहा वेट करो वेट करो, आपको किसी बात का नहीं पता, वेट करो, जो जब ठीक हो जाएगा सब, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं। भी जिन लोगों को सच पता, जिन लोगों को सच पता है वो लोग करते हैं सपोर्ट। जिन लोगों को बहाना चाहिए था भागने का, उन लोगों के लिए जस्ट एंटरटेनमेंट था, वो लोग भाग गए। जो लोग फैमिली हैं वो हैं, जो एंटरटेनमेंट समझते थे, बस लाइफ समझते थे, वो चले गए। तो ठीक है, अच्छा हो रहा है। ये लाइफ का दो पार्ट होता है, एक बिल्कुल दुख सुख ये साथ में चलता है, क्योंकि कभी भी 100% सुख नहीं होता है लाइफ में। हमने इसके बारे में डिस्कशन भी चाया था, दुख दुखी लाइफ, सुखी लाइफ और हैप्पी हैप्पी और हैप्पीनेस क्या फर्क है, और दुख क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन भी चलाया था। तो साथ साथ में चलने वाला है, कभी भी 100% नहीं हो जाएगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन आपसे बहुत लोगों को क्या सीखना है कि इतना इतना कंट्रोवर्सी, इतना आपको गाली दिया, लेकिन उसमें नहीं, मेरे लिए फिर भी पाकिस्तान। सब लोग रिस्पेक्टफुल हैं, क्योंकि क्योंकि हाँ सुनिए ना, मैं उनका बोल अपना रहा कसूर नहीं है। यकीन था। करें, हाँ अगर मैं भी होती ना, एक जस्ट व्यूवर होती ना, मेरी नज़र में जो भी आता मेरे सामने, तो जो आना था मैंने उस पर यकीन करना था, ठीक है। लेकिन मुझे उसके पीछे लड़के इंसानी का नेपाल नहीं में होती पता। तो आपके जैसा जी नहीं पाता था। इतना स्ट्रांग है आप, इतना स्ट्रांग है, इसलिए मैं पहले पहले कॉल करता रहता था, क्योंकि इतने स्ट्रांग है लेकिन ना, मैंने यकीन करें, देखा जो नहीं। पाकिस्तानी लोग थे जो मुझे पहले सपोर्ट करते थे, इन लोगों के आने के बाद वो लोग चले गए। जो पहले सपोर्ट करते थे काफ़ी सारे लोग थे, फिर उन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किए। उन्होंने कहा देख लिया तुमने, देख लिया तुम पाकिस्तानी ऑडियंस को छोड़ के तुमने नेपाल ऑडियंस को इतना प्यार दिया, उन्होंने छोड़ दिया ना तुम्हें, क्या क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, सब सब कुछ ठीक है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा ये सब टेम्परेरी है, मुझे पता है। मैंने कहा अभी भी कुछ लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं, वो क्या नेपाल से नहीं, सब लोग हैं। उनका सिर्फ ब्रेन वॉश किया कि बस, और कुछ नहीं। अब ऐसा ही चलता अब है सिस्टर। मैंने पहले भी बोला था, जब भी दो रात है दिन है, एक उजाला एक अंधेरा, ये चलता है, वो भी 50-50 होता है। कौन सा दोनों का हमको हमको भोगना होगा किसी न किसी तरह से। बिल्कुल तो आगे जाने का रास्ता, रात आ गया, अब जीवन लाइफ खत्म हो गया, यही नहीं होता है। सुबह आता है, उसके बाद भी सुबह आता है। तो ऐसा ही चलता है लाइफ। बहुत स्ट्रांग रहे ना, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रांग होके। हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, तब भी बोल रहा हूँ स्ट्रांग हो जाइए, क्योंकि स्ट्रांग प्यार करने वाले के लिए होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल जो इतना प्यार करते हैं, अब 100% कहीं भी नहीं हो जाएगा, 100% आप चाहो तो भी नहीं हो जाएगा। तो आपको 95% लोग है ना वो प्यार दे रहे, दूसरे तो कॉपी पेस्ट है 5%। सही, वो भी अच्छे लोग हैं, यकीन करें उनका ब्रेन वॉश, ये लोग इतने मासूम हैं, इनको कोई, इनका कोई ब्रेन वॉश करता ना ये जल्दी उनकी बातों में आ जाता है, इनको ये नहीं पता होता कि इसमें हमारा नुकसान है, यकीन करें। अभी अभी मैं भी यहाँ पे इनका ब्रेन वॉश करने लग जाऊँ जितना ये लोग प्यार करते हैं, ये लोग प्यार करेंगे, ये टूट के प्यार करेंगे, ये लोग समझेंगे कि नहीं ये इंसान हमें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वही इंसान अगर इनकी जड़ें काटे तो इनके लिए तो गलत है ना, इनके लिए तो बुरा है ना वो इंसान, इनको समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इनको इनका अपना बन के इनके अपनों को ही इनसे दूर कर रहा है, गलत है ना। हमने तो कभी भी यहाँ से किसी के बारे में कुछ भी कही नहीं कहा था, कभी कभी एक्शन में रिएक्शन आता है, इतना लेकिन ही एक बोले। बुरी बात नहीं, अगर मैं इनको कहना शुरू कर दूं कि फलां उस लड़के के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दो, ये लोग बोलेंगे ना, ज़्यादा नहीं तो 10% लोग तो बोलेंगे, ठीक है उसको लाइव में जाके भी गाली देंगे ये सब, लेकिन मैंने नहीं बोला है इनको कभी कि उसको जाके बुरा बोलो या वो बुरा है, ठीक है मेरे पास सब चीज़ें, मेरे पास सब कुछ है, प्रूफ के साथ भी मैं बोल सकती हूँ कि इन लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि एक रेस्पेक्ट है दिल में हमारे नेपाल पास के भी लिए, आया है नेपाल सिर्फ, के ऑडियंस के ऑडियो लिए, सब रिकॉर्ड तक आया सब के है। लिए, आपके पास भी आया होगा, मुझे भी पता है, मुझे बहुत पहले से पता है, ठीक है उनको मैंने स्टार्ट से ही, मैंने जब मैं लाइव पे आई मैं नहीं जानती थी इन लोगों को, जब मैं लाइव पे आई तो इन लोगों ने ही मुझे बताया, सही सुरेश और मैं मिले, सबको पता है फर्स्ट लाइव जाके देखो, हम लोग विद प्लानिंग नहीं मिले कभी, हम बाय लक हम लोग मिले एक मैच में, मैं डॉली के साथ खेलती थी और आई थिंक उमर ने सुरेश को ऐड किया, सुरेश की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम लाइफ में जिसकी वजह से उसको एक बुरा बनने का टैग लग गया, उस लोगों ने उसको बोला अपनी आइडेंटिटी अभी ऐसा रखो ऐसा रखो ऐसा रखो, वो भी अपने बेनिफिट के लिए बोला कि हाँ कल को हम आके रिवील करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, वरना वो तो सबको बताने के लिए तैयार था अपने बारे में सब कुछ, वही लोग उसको कहते थे नहीं नहीं अभी मत बताओ क्या ज़रूरत है सब खराब हो जाएगा ये वो, बाद में वही लोग ही नहीं ऐसा करेंगे तो फिर हमें फायदा होगा, ऐसे कौन जानेगा हमें। नहीं तो मैं ऐसा बोलता हूँ इसके लिए, जिस लोग ने ये बोला वो गारंटी दे सकते लाइफ में 100% गलत नहीं किया है, उसने नहीं मेरी बात उन सुन, लोग वो नहीं दे सकते तो दूसरे के लिए किन टांग अड़ाए। नहीं मेरी बात सुने, आप मुझसे एक बात पूछ रहे हैं लाइव पे कि मैं ये बात बोल दूं लाइव पे, ठीक है मैं आपको बोलती हूँ नहीं 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 मत बोलो मत बोलो, लोगों को मत बताना वरना सब खराब हो जाएगा, फिर बाद में मैं ही बोलती हूँ कि आप लोगों को पता है दिक्कत है कि ये बात ऐसे है, लोग कहेंगे वाह 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 तुमने सच बता दिया।